मानसिंह महल में गंदगी देख बिफरे केंद्रीय मंत्री, अधिकारियों की लगाई क्लास। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ग्वालियर का प्रवास पर पहुंचे, जहां वह रेलवे स्टेशन से सीधे ग्वालियर के किले का भ्रमण करने पहुंचे। भ्रमण के दौरान किले पर पसरी गंदगी को लेकर मंत्री रेड्डी गुस्सा से आग बबूला हो गए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मौके पर मौजूद मंत्री ने अधिकारियों से कहा, यहाँ इतनी गंदगी है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। आपके पास मिनिस्टर आ रहे हैं और आपके साफ करने का पैसा आपके पास नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने किले पर पसरी गंदगी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपको इसमें झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद खुद के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि जाओ झाड़ू लेकर आओ और मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री की इस फटकार के बाद सभी पर्यटन अधिकारी शांत हो गए। आपको बता दें, केंद्रीय पर्यटन मंत्री रेड्डी के साथ सांसद विवेक नारायण सेजलकर सहित बीजेपी के नेता भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि ग्वालियर का मानसिंह का किला देश के सबसे खूबसूरत किलों में शुमार है। यहाँ घूमने के लिए देश विदेश में रोज सैकड़ों पर्यटक आते हैं, लेकिन किले पर साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं होने के कारण छवि खराब होती जा रही है। 40 लोग क्या करते, आउटसोर्स लगाना था। मैं आता हूँ बोल के, अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, मैं आता हूँ कम से कम साफ करना था ना। क्यों बुलाया इधर? मेरे को नहीं बुलाना था, मेरे को नहीं बुलाना था। उतना पैसा नहीं है क्या साफ करने का? अगर मिनिस्टर आ रहे हैं, कंसर्न मिनिस्टर है, अब साफ करने का पैसा नहीं है क्या? आउटसोर्सिंग लेना है टेम्परली, एक दिन का, दो दिन का। आपके पास स्टाफ नहीं है तो साफ कर सकते है ना? आप थोड़ा पीछे हो जाइए। आपको बताए, मेरे को नहीं बुलाना था। मैं जोरी थोड़ी जबरदस्त तो दिया क्या? कितने दिन में एक बार साफ होता है? साफ तो रोज होना नहीं, कम से कम कितने दिन होते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? फिर नहीं छोड़ देंगे, स्टेट गवर्नमेंट दे देंगे, देश के पास नहीं रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।